साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन से राबता, आर्मी चीफ की तैनाती और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, मजीद कौन कौन से उमूर हैं जिन पर बातचीत की गई है? देखिए, बिल्कुल, वजीर आजम भी लंदन में और इसी दौरान जो है नवाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ राबता किया गया और इस अज़म का इजहार किया गया है कि मुल्क में इंतशार और बदनामी की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। एहतजाज और लॉन्ग मार्च इमरान खान का हक है, मगर सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। नवाज शरीफ का ये कहना था कि इमरान खान एक इंतजामी मामले को अपनी सियासत में मदद करना चाहते हैं और तकर्री को मुतनाजा बनाकर कौमी रियासती और दिफाई इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। आदमी ने इस बात पर इतफाक किया है कि किसी भी जिले में नई तकर्री है, उस मामले पर कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा और शहबाज शरीफ वतन वापसी पर पीडीएम का बाकायदा इजलास दिलाकर सबको इत्मादी भी लेंगे। इस मुशावरत में आम इंतखाबात कोई भी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया।